नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पापलेट वाली पापलेट, ताजा ताजा पापलेट, पापलेट। मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे जल्दी निकलो, मेरे को सांस नहीं आ रहा है। अरे आ जाएगी, तुम सीधी खड़ी रहो, एक मिनट। अरे अटक, अरे जल्दी निकलो। अरे ये हांडा अटक कैसे गया? सॉरी, माफी काहे को मांगता है? अच्छा लगा मेरे को। क्या हुआ? मुंबई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता है क्या? मुंबई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? टच किया तो आपका बॉडी में झनझना के करंट लगा। अच्छा? हो पापा, तेरे पापा की तो धापा। ये तेरे को पापा बोला? हाँ मुझे पापा बोला। तेरा पोर गई है? पोरगा? अरे तेरा बेटा है ये? हाँ मेरा बेटा है। देवा, 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 मैं बर्बाद हो गई। देवा, देवा, देवा। अरे गपस, काय को इतना रोती है? अरे काय सांगू मामा, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मेरे वासना कोई घर है ना मकान है। अरे दिगंबर, कौन है ये छोरी, काहे रोए जा रही है? अरे मेरी भांजी है, वैजंती, कल इस अलीबाग से आई है, दिल नहीं साथ में कलिंगड़ लाई है, ना जाने किससे टकराई है, आते ही सारा मोहल्ला सर पे उठाई है। देवा देवा देवा। अच्छा अच्छा अच्छा, तू ठहर, मैं पूछती हूँ। पूछो। हमका बता का हुआ? हा? अरे कैसा गुका की मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दी एंड हो गई। दोपहर की घड़ी थी, हम दोनों की आग लड़ी थी, आंखों आंखों में एक्शन हुआ, दिल से दिल का कनेक्शन हुआ, इतने में आवाज आई पापा, 7 साल का बच्चा है उसका। देवा, अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वैजती की जवानी कोई दाम की नहीं। अरे पगली, जिससे तू टकराई थी ना, वो की औरत अब इस दुनिया में नहीं है। क्या, तेरे को कैसे मालूम काकी? अरे वो का हम अच्छी तरह जानते हैं, बड़ा भला मानस है वो। सुन, आज शरद पूर्णिमा की रात है, पूरी बस्ती जमा होगी यहाँ, वो भी आने वाला है, तू भी चले आना। हा? मैं चलती हूँ। फिर तो मैं उतरिश कर डालेगी 1, 2 का 4। अगर ना नाचा वो मोर, तो खिला देना एक गोली, फिर देखना इस गोली का जोर। ये काय की गोली है मामा,
चुम्मा गोली, जिसको एक गोली खिलाएगी 100 चुम्मा लेगा। आयशा पर एक गोली में 100 चुम्मा, पूरी बोतल खिलाए तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। देखना मामा, कैसे कंगारू के वापिक 24 घंटा बच्चे को चिपका कर बैठे ले, अब मैं अपना सेटिंग कैसे करेगी? अरे तू फिक्र मत कर माई है ना, अभी बंदोबस्त करता हूँ। चलो बच्चा लो, आज मामा तुमको झूला झुलाएगा, वो भी फुकट में। वही बच्चा लोग को लेके जाता झूले पर, तू सूरज को चढ़ा दे झूले पर। गरम डका गोली खाएगा क्या? गोली? बंदूक की गोली नहीं, ठंडक की गोली, खाने के बाद अच्छा लगता है। तू क्या? अब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो खा लूंगा। वो शरबत में डाल के देना पड़ता है, वो आप भी लेके आती है, जाना मत। थैंक यू देवा, थैंक यू। अब मामा के गोली का कमाल देखती है माई। अब शरबत किधर मिलेगा? शरबत बना के लेके आई है। इतनी देर बाद अभी शरबत पीने का मूड नहीं है वैजंती। ऐसा कैसा, इतने प्यार से बना के लेके आई है, पीना ही पड़ेगा। ये शरबत में उबाल कैसा? तू पिएगा तेरे अंदर भी उबाल आएगा। हाँ बहुत अच्छा है, पी 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 के देखो, सच्ची सच्ची। अच्छा लगा? लगता है गोली का असर हो रहा है, मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। क्यों तो आज मेरी मन की मुराद पूरी होगी। आईना किधर गया ये? अरे भाग से, किधर है? अरे कोई पकड़ो सूरज, अरे कुत्ते साथ रे, थाम। सूरज अरे रुक रे बाबा, अरे अरे किधर गया रे? अरे अरे ये झाड़ पे कहीं को चढ़ गया है, नीचे उतर। नहीं नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगा। नीचे नहीं उतरेगा तो मैं इधर से जंप मारेगी तेरे ऊपर, देखना। मार मार, काय को मगजमारी करता है रे, नीचे आ जा रे मेरे राजा, आ जा। ये ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है, बोतल खोल डाल और दिल की बात बोल डाल। ऐसा करने से मेरे हाथ में आएगा? अरे बोल डाल बेड़ू को, आप उनको मांगता है तू ही तू। कैसे? ऐसे। मैं? हाँ। विजयंती सच सच बताओ, कल रात क्या पिलाया था तुमने मुझे? क्या पिलाया था तुमने? वो ठंड की गोली शरबत में मिला के पिलाया था मैंने, सोचो पार्टी में मजा आएगा। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? दफा हो जाए यहां से। अरे डांटता काय को है, करण की बात जिंदा होती तो उस पे भी ऐसे ही भड़कता क्या? आहा, 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 आहा,
यशपाल जी एक मिनट। देखिए, जिस्म पे लगे जख्म तो भर जाएंगे, मगर इसके दिल पे लगे घाव का कोई इलाज नहीं। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मैंने घर बदल दिया, शहर बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी पुरानी यादें भूल जाए। लेकिन यशपाल जी, जगह बदलने से जख्म नहीं भर जाते। एक माँ ने अपना बच्चा खोया है और हर गुजरते दिन के साथ उसमें अपना बच्चा पाने की तड़प बढ़ती जा रही, और यही जुनून आज उसकी मौत का कारण बन सकता था। देखिए, अगर आपको अपनी बेटी की जिंदगी चाहिए तो किसी तरह भी उसका बेटा ला दीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं यशपाल जी, लेकिन 100 करोड़ की आबादी में आपके दामाद को? वो मेरा दामाद नहीं है, चोर है वो। मेरी बेटी का बच्चा चुरा के भागा है। मानता हूं, लेकिन वो किस शहर में है, किस हुलिया में है, इस बात का पता लगाने में हमें कुछ वक्त तो लगेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन आप फिक्र ना करें, वी विल गेट हिम। ओके जी। एक बात समझ नहीं आई सर, जिस बच्चे को आप पैदा होते ही मरवा देना चाहते थे, जिसे पिछले 7 सालों में आपने कभी ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, उसे पाने के लिए आपको अचानक पुलिस की मदद की जरूरत पड़े। आई कैन नॉट गेट इट सर। मजबूर हो गया हूं मदेश। अगर हम बच्चे को अस्पताल में ही मरवा देने में कामयाब हो जाते तो किस्सा ही खत्म हो गया होता। लेकिन अब मेरी बेटी ने मुझे बेबस कर रखा है। उसे जिंदा रखने के लिए मुझे उसका बेटा वापस लाकर देना ही होगा, और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा।